ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे, और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। नहीं, वो हम NDRF से बात कर रहे हैं, हम उसका इनकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन अभी देख रहे हैं काम। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे, और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। नहीं, वो हम NDRF से बात कर रहे हैं, हम उसका इनकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन अभी देख रहे हैं काम। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे, और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। नहीं, वो हम NDRF से बात कर रहे हैं, हम उसका इनकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन अभी देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।